अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं लबे शीरी। ये देखें, लबे शीरी में जो हम डालेंगे वो हम सामान आपको दिखाते हैं। ये है किशमिश और ये अखरोट, बादाम, ये हम सेब डालेंगे जिसको हम अभी चॉप करेंगे। ये दो केले हैं, इसकी भी अभी हम कटिंग करेंगे। ये मलाई है जो हम फेंट कर दूध के अंदर डालेंगे जब कस्टर्ड बनाएंगे तब। और ये दो जेली के पैकेट हैं जो हमने पका ली है और हम इसे ठंडा करने रखेंगे। अब हम जब बनाएंगे जेली तो हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, ठीक है। ये देखें, मैंने जो आपको बताया है लबे शीरी का, तो ये है दूध। ये तकरीबन 1.25 किलो दूध है और इसके अंदर चीनी हमने हसब ज़रूरत डाल ली है। अब हम इसे पका रहे हैं। पकाने के बाद जब उबाल आएगा तो हम इसके अंदर कस्टर्ड डालेंगे, ठीक है। ये देखें, ये कस्टर्ड है। मैं इसको पानी के अंदर हल कर लिया है। इसको सिर्फ 3 चम्मच लिए मैंने, ज़्यादा नहीं लिए। वो इसलिए कि हमें इसको पतला रखना होता है, हमें गाढ़ा नहीं रखना होता। वो इसलिए कस्टर्ड नहीं बना रहे हम, लबे शीरी बना रहे हैं, ठीक है। और मैं इसको अब, और ये है मैंगो फ्लेवर, मैं अब इसको दूध में, ये देखें हमें इसे गाढ़ा नहीं करना। इसमें सिर्फ एक उबाल आएगा या 1 से 2, तो हम इसको उतार कर ठंडा करने रख देंगे। फिर हम इसके अंदर जो सामान डालना होगा फिर हम दिखाएंगे। ये देखें, ये हमने कस्टर्ड जो है बिल्कुल तैयार कर लिया है। ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल, हमने आपको दिखाया था। और ये देखें, ये मलाई है, ये देखें ये मलाई है। ये हमने घर की मलाई है, हमने बाहर की नहीं ली। हमने इसको हल कर लिए चम्मच से, बहुत ज़्यादा हमने वो नहीं किए हैं, फेंटी नहीं है, बस अच्छे तरीके से मिला लिए हैं। ये देखें, ये अब मैं सेब और केले डाल रही हूँ। और ये देखें, ये किशमिश, ये देखें किशमिश, बादाम और अखरोट। अगर आप इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, फ्रूट के अंदर, ग्रे फ्रूट के अंदर आप दूसरी चीज़ें भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ ये 4 चीज़ें डाली हैं। तो ठीक है, अब ये देखें कस्टर्ड बिल्कुल, लबे शीरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े की, बहुत लजीज बनती है। और आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।